सभी भक्तजनों को जय श्री राधे कृष्णा। आप सब कैसे हैं? प्रभु की कृपा से आप सब सकुशल पूर्वक होंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। तो भक्तजनों, आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही प्यारा प्रसंग कि तुलसी विवाह की व्रत कथा क्या है और भगवान श्री हरि को भोजन में तुलसी का पत्र क्यों दिया जाता है। बिना तुलसी पत्र के उनका प्रसाद पूर्ण नहीं होता। तो चलिए भक्तजनों, हम देखते हैं। प्राचीन काल में एक जलंधर नाम का असुर था, जिसका विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त थी, वही वृंदा पतिव्रता भी थी। इसी कारण जलंधर अजय हो गया। जालंधर को इस बात का घमंड भी हो गया। इसके बाद वह स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा। जब सभी देवता इस बात से दुखी हो गए तो वो भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा देवी का पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इसके बाद जालंधर की जो शक्ति थी वो क्षीण हो गई। एक युद्ध में जलंधर मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो वह क्रोधित हो गई और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। भगवान विष्णु पत्थर बन गए। देवताओं की प्रार्थना से वृंदा ने अपना श्राप वापस तो ले लिया, परंतु भगवान विष्णु को अपने किए पे बहुत शर्मिंदगी हुई। अतः वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर रूप में प्रकट किया, जो बाद में शालिग्राम कहलाया। भगवान विष्णु को दिया श्राप वापस लेने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा के राख से तुलसी का पौधा होगा। वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। बस इसी पौराणिक घटना को याद रखने के लिए हर साल कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम से कराया जाता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मुझे प्रिय होगी। तुम्हारा स्थान हमेशा मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते। जय जय श्री राधे कृष्ण।